नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ इस वक्त पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है और पूरे देश में लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। जी हाँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस काले कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, आज से तीन दिन चार दिन कबल आपने देखा, आपके किशनगंज में सामूहिक रूप से एक एहतजाज किया गया, एक मुजाहरा किया गया, एक प्रदर्शन किया गया और उसी का एक विकराल रूप आज देखने को मिला। जी हाँ, आज संविधान बचाओ कमेटी की जानिब से, संविधान बचाओ कमेटी की ओर से एक पुरसकून पुरअमन जुलूस का इनेकाद किया गया। जी हाँ, एक जुलूस निकाला गया और ये जुलूस अंजुमन इस्लामिया से निकलकर, जी हाँ, अंजुमन इस्लामिया से ये जुलूस निकला और पूरे शहर का मुआयना करते हुए आज जिस जुलूस का इनेकाद किया गया उस जुलूस में कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि इस जुलूस में सारे दलों के लोग मौजूद थे। न सिर्फ सियासी लोग बल्कि सामाजिक और तालीमी एतबार से जो बुद्धिजीवी हैं वो तमाम के तमाम लोग इस जुलूस में शामिल रहे। आपको बता दें कि ये जुलूस अंजुमन इस्लामिया से निकलकर सुभाष पल्ली होते हुए पश्चिम पाली, फिर चूड़ी पट्टी, सौदागर पट्टी, नीमचंद रोड, गांधी चौक होते हुए डे मार्केट, फिर डे मार्केट से हमारे कदम रसूल के जो मौला इयाज साहब है उनके तरफ से, मौला मुजम्मिल साहब उनके तरफ से और सरवर इमाम कुम्मी साहब है उनके तरफ से हम आपका शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला आपको इसका बदला अता फरमाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के गोपनीय कार्यालय पहुंचा, जी हाँ, जहाँ डीएम को, डीएम हिमांशु शर्मा को जिम्मेदारान ने मेमोरेंडम दिया और ये मेमोरेंडम महामहिम राष्ट्रपति के नाम था। इस मेमोरेंडम में ये कहा गया है कि साहब, ये जो कानून आया है नागरिकता संशोधन कानून, इस कानून में बहुत सारी खामियां हैं, इस कानून में बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसलिए हम इस कानून को तस्लीम नहीं करते हैं, इस कानून को हम कबूल नहीं करते हैं, लिहाजा हमारी ये मांग है, हमारी ये गुजारिश है कि आप इस कानून को वापस लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जुलूस में इमारत शरिया किशनगंज के जनाब काजी अशरफ साहब, सांसद डॉक्टर जावेद साहब, एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, विधायक किशनगंज कमरुल हुदा साहब, बहादुरगंज के विधायक जनाब तौसीफ साहब, चकुलिया वेस्ट बंगाल वहां के विधायक अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर साहब, एमएलए कोचाधामन मास्टर मुजाहिद साहब और कोचाधामन से ही ताल्लुक रखने वाले एमआईएम के कद्दावर लीडर और जमीयत उलमाए कोचाधामन के अध्यक्ष अलहाज इजहार असफी साहब और जमीयत उलमाए हिंद किशनगंज के सदर, बल्कि यूं कहें कि सूबाई सदर जावेद साहब और तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट से मुंसलिक मौलाना मुजिमुल हक मदनी साहब, ये तमाम के तमाम जिम्मेदारान इस जुलूस में खसूसी तौर पर शामिल रहे। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, ये लोग जिले के मुख्तलिफ प्रखंडों से आए। हालांकि मौसम शिद्दत की ठंड थी, उसके बावजूद लोगों ने अपना एहतजाज जारी रखा और लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज कराया। वापस करो, ऐसी ये फेक है, ऐसी ये
जिंदाबाद, 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 शिलगंज की एकता जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान की एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद।